हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिविटी एंड किचन विद मी। आज मैं दूंगी पिजन का स्टेनलेस स्टील कुकर का रिव्यू। 3 लीटर कुकर है, इसमें आज मैं बनाऊंगी टेस्टी खीर। चलिए स्टार्ट करते हैं खीर बना। कुकर चढ़ा दिया है, अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा खीर। कुकर गर्म हो चुका है, करीब 2 स्पून घी डाला। खीर बनाने के लिए हमेशा टूटे चावलों का यूज कीजिए, इससे खीर बहुत टेस्टी बनती है। घी गरम हो गया है, अब हम चावल इसमें डाल देंगे। चावलों को अच्छे से भून लेंगे। इसी में ड्राई फ्रूट्स, अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें जो है ड्राई फ्रूट्स डाल दीजिए जो आपको पसंद हो, उनको भी भून दीजिए चावलों के साथ में। आंच पे चावलों को अच्छे से भून लीजिए। देखिए कुकर में लग नहीं रहा है, कुकर नहीं जल रहा है। चावल अच्छे से भून जाए, अच्छी सी महक आने लगे, तब इसमें हम डाल देंगे पानी। अब हमारे चावल भून चुके हैं। जितना चावल बनाने के लिए पानी यूज होता है, उससे ज्यादा पानी हम खीर बनाने के लिए यूज करेंगे। पानी बहुत ज्यादा नहीं डालेंगे, थोड़ा सा पानी डालेंगे, लेकिन चावल जितना बनाते हैं उससे थोड़ा ज्यादा। अब हम इसमें स्टीम लगा देंगे, 3 सीटी आने तक। कुकर में स्टीम बन गया, कुकर में स्टीम बन गया। 3 सीटी आने तक वेट करेंगे, तब तक हम इस साइड दूध गरम कर लेते हैं। सो फ्लेम पे 3 सीटियां आ चुकी हैं, अब हम गैस को बंद कर देंगे। इधर दूध बॉयल हो रहा है, जब तक स्टीम निकल रही है तब तक दूध बॉयल हो जाएगा। स्टीम निकलने के बाद दूध मिलाएंगे। स्टीम निकल गई है, अब हम कुकर को इस तरह से टर्न करेंगे, ऐसे और ऐसे उठा देंगे, कुकर खुल जाएगा। देखिए चावल पक गए, इसको हल्का सा हम मिला देंगे। अभी हम कुकर को चढ़ा देंगे, ये अच्छे से मिला चुके हैं चावल को, अब हम इसमें डालेंगे दूध। आधा लीटर दूध डाल चुके हैं और इसको मिला देंगे। स्लो फ्लेम पे जो है खीर हमारी पक रही है, दूध डाल दिया है। अब इसमें हम डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग चीनी।
थोड़ा सा डालेंगे इलायची पाउडर। अब इसको अच्छे से मिला देंगे। ये देखिए खीर हमारी इस तरह से तैयार है। अब इसमें बॉयल आने तक इसे मिलाएंगे कि लगने ना पाए नीचे, चलाते रहें इसे जिससे ये नीचे लगे नहीं। अब ये देखिए हमारी खीर बन गई है, हम फ्लेम बंद कर देंगे। हमने खीर सर्व कर ली है, आप चाहें तो उसे ड्राई फ्रूट से गार्निश कर सकते हैं। और ये कुकर जला नहीं है, बिल्कुल भी नहीं जला है, नीचे से दिख रहा होगा आपको। ये देखिए बिल्कुल भी कुकर नहीं जला है, बहुत अच्छा कुकर है। बस आप हमारी वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें। बेल आइकन बटन को दबाना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।